हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? प्रिपरेशन तो अच्छा चल रहा है, मतलब सारी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया, किसी एक मेन सब्जेक्ट को, मतलब जहाँ पे वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस किया है, और स्पेशली मैथ्स में तो फॉर्मूलों के ऊपर फोकस किया है, स्ट्रेस फ्री होकर प्रैक्टिस किया, और मतलब जहाँ जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स रह गई है उनको ओवरकम करने की पूरी कोशिश की है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? मैथ्स। मैथ्स तो इसके लिए मतलब क्या प्रिपरेशन है, क्या आप सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, कैसे स्कोर करने का सोच रहे हो? सैम्पल पेपर्स टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो मतलब एग्ज़ाम में जो भी मैथ्स क्रिएट हो जाता है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस बार जो मैथ्स में जहाँ पे मार्क्स कम हुए हैं उनके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगली बार वो ना कटें। आपको क्या लगता है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है मैथ्स में, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लगता है कि वहाँ पे फोकस करना चाहिए? मेंसुरेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिगर्स को फिर रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि अगर इस फिगर में से कुछ इतना निकाल दिया गया तो यहाँ पर मतलब जैसे कि इसका वॉल्यूम कितना बचा है, फिर सरफेस एरिया कितना बचा है, तो उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, और फॉर्मूलों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, फॉर्मूले डिराइव करना आना चाहिए और फॉर्मूलों का ढंग से यूज़ करना आना चाहिए। आपको अपना अभी काफ़ी स्ट्रेस हो रहा होगा क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं और स्कोर भी अच्छा करना है, तो आप कैसे उस स्ट्रेस को मतलब कैसे टाइम डिवाइड कर रहे हो, कैसे स्ट्रेस को बीट कर रहे हो? तो पहले मैं टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ करती हूँ, क्योंकि बिना टाइम टेबल के ये होता है कि फर्स्ट बुक उठाई तो मन करता है कि ध्यान भटक जाता है तो दूसरी बुक पे ध्यान जाता है, इस वजह से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारा कुछ एकदम टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है, और उससे प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की हो जाती है। और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो? पहले मैं एक बार उसके सॉल्यूशन पर जाती हूँ, अगर उस पे से भी ना समझ में आए तो एक बार टीचर से नॉलेज ले लेती हूँ। आपकी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड्स की? अच्छी चल रही है। अभी कहाँ तक हो गई है तैयारी? मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन चल रही है हर सब्जेक्ट की। तो आप कैसे कर रहे हो रिवीजन, एनसीईआरटी से या रेफरेंस बुक्स से? सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर उसके साथ सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स सीबीएसई की वेबसाइट से या सैंपल पेपर्स की बुक्स ले रहे हो आप? बुक्स ली हैं, और सीबीएसई की वेबसाइट से भी कर रही हूँ, इंग्लिश के एंड मैथ्स के। कौन से बुक्स ले रहे हो यू लाइक? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है अभी मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है स्कोर करना, और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? मुझको मैथ्स में सरफेस एरियाज वाले चैप्टर में है प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब किसका क्या निकालना है, सीएसए निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, उस चीज़ में दिक्कत है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ ज़्यादा, और करनी भी पड़ेगी। कैसे आपकी प्रिपरेशन कैसी मतलब कैसे कर रहे हो प्रिपरेशन मैथ्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की? इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उसमें मैं की पॉइंट्स निकालती हूँ, जिससे आंसर्स ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, और मैथ्स में फॉर्मूलाज मैंने एक जगह पे लिख रखे हैं पेज पे, और उसे मैंने अपने रूम में लगा रखा है, जिससे मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ तो उधर देखती हूँ, तो बार बार माइंड में वही घूमता रहता है। और SST का आप कह रहे हो आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो उसके लिए आपने क्या किया है, सोल्यूशन क्या निकाला है? SST में मैंने एक डाउट कॉपी बनाई है, और सपोर्ट मटेरियल में से भी मैं पढ़ती हूँ, डाउट कॉपी में अपने डाउट्स लिखती हूँ, और अगले दिन टीचर से आके पूछती हूँ। साइंस का प्रिपरेशन? साइंस में चैप्टर्स रीड करती हूँ, बस चैप्टर रीड करती हूँ, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स और कुछ नहीं? हाँ करती हूँ, वो जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उनके आंसर्स मैं लिख के लर्न करता हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है?